ये डर भी बड़े कमाल की चीज होती है ना, जो किसी को एग्जाम में बैठने ही नहीं देती। ये डर ही तो है जो किसी को स्टेज पर बोलने नहीं देता। ये डर ही तो है जो किसी को सक्सेस नहीं होने देता। ये डर ही तो है जो किसी को रिस्क लेने से रोकता है। अकेले रहने का डर, बोलने का डर, फेल होने का डर, मरने का डर, ये डर ही तो है जो किसी के पंख उगने से पहले ही उखाड़ कर फेंक देता है। हम सबको किसी ना किसी चीज का डर लगा ही रहता है। इंसान पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक किसी ना किसी चीज से डरा हुआ रहता है, और यही डर किसी की सक्सेस रोक देता है, किसी का कॉन्फिडेंस गिरा देता है, किसी की परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है, किसी का रिजल्ट खराब कर देता है। 95% लोग इस डर की दीवार के पीछे पूरी तरह छिप जाते हैं। इस दीवार की पहली ईंट का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है, जब छोटे बच्चे को बोला जाता है कि बेटा संभल कर चल, नहीं तो चोट लग जाएगी। और इसी तरह डर की यह दीवार बनती चली जाती है, और 95% लोग इस डर की दीवार के पीछे छिपकर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। बस 5% लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं इस डर को डराने की, और हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं। यही सच है जिंदगी का। अगर हम हिम्मत दिखाएं तो हर डर को पीछे छोड़ सकते हैं, हर डर की दीवार को तोड़ सकते हैं। हिम्मत वही दिखाई जाती है जहां किसी काम को करने में डर लगता है, क्योंकि जिस काम को करने में अच्छे अच्छों की फट जाती है वहां पर हिम्मत काम आती है। कुछ लोग दीवार के पीछे छिपकर उस चूहे की तरह जीते हैं जो बिल्ली के डर से बिल में छिपा रहता है, और कुछ लोग उस बब्बर शेर की तरह जीते हैं जो कोई सामने आ जाए तो फाड़ कर रख देता है। अगर चूहे की तरह जीना चाहते हो तो वीडियो को यहीं छोड़ दो, और अगर बब्बर शेर की तरह जीना चाहते हो, डर को दूर भगाना चाहते हो, हिम्मत दिखाना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि साहस जिनके साथ सफर में तट मिल ही जाता है उन्हें बीच भंवर में। इस डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए, डर की इस दीवार को तोड़ने के लिए आपको हिम्मत के साथ जिद जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब हिम्मत के साथ जिद जुड़ी थी ना तभी पहला हवाई जहाज उड़ा था, जब हिम्मत के साथ जिद जुड़ी थी तभी आसमान में रॉकेट उड़ा था। आपको हिम्मत के साथ वो जिद चाहिए कि जब तक डर खत्म नहीं होगा मैं लगा रहूंगा, हाँ मुश्किलें आएंगी मैं लगा रहूंगा, लोग रोकेंगे टोकेंगे मैं लगा रहूंगा, खुद पर शक होने लगेगा लेकिन मैं लगा रहूंगा हिम्मत और जिद के साथ। जिद की परिभाषा यही है कि डटे रहो जब तक, मंजिल ना मिल जाए तब तक। चूहों की तरह उस बिल्ली रूपी डर से डरना नहीं है, बस हिम्मत दिखानी है उस जिद के साथ, जिस जिद की वजह से चूहों से भी डरने वाले वॉल्ट डिज्नी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर मिक्की माउस बना जाते हैं। इनका डर छोटा नहीं था, लेकिन इनकी हिम्मत और इनकी जिद इतनी बड़ी थी कि वो डर की दीवार भी छोटी पड़ गई। इस डर को जीतने के लिए पहले आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और एक जिद लानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी हजारों लोगों के सामने बोलने की, जहां पर बोलने के नाम से अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है। पहले आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी स्टेज पर चढ़ने की, उसके बाद अपने अंदर एक जिद लानी पड़ेगी। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, रोकते हैं तो रोकने दो, टोकते हैं तो टोकने दो, लेकिन तू लगा रहना। भीड़ में से एक आवाज आएगी, ओए पागल नीचे उतर, लेकिन तू इग्नोर करना क्योंकि तू जिद्दी है। जब तक तेरा डर खत्म नहीं होगा तू स्टेज पर चढ़ेगा, बार बार चढ़ेगा, और फिर एक दिन उसी भीड़ में से एक आवाज सुनाई देगी, सर मजा आ गया, क्या गजब की स्पीच दी आपने, क्या गजब का मोटिवेट किया आपने। इतिहास में जब पहली बार हवाई जहाज उड़ाया गया था, अगर उस समय उसे उड़ाने वाला यह सोचता कि अगर यह ऊपर से गिर गया तो, अगर मैं मर गया तो, अगर उस समय उसमें हिम्मत नहीं होती, उसे उड़ाने की जिद नहीं होती, तो डर की वजह से आज हवाई जहाज का नामो निशान नहीं होता। अगर हिम्मत और जिद नहीं दिखाई जाती तो मानव कभी चांद पर नहीं पहुंच सकता था। जितना बड़ा डर होगा उससे बड़ी हिम्मत और जिद चाहिए होगी उस काम को करने में। अगर डर पर विजय पानी है तो इस डर की दीवार को तोड़ दो, इसे फोड़ दो, डर की एक एक ईंट को चकनाचूर कर दो। इस डर की दीवार को तोड़ने के लिए मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आप अपनी डिक्शनरी से डर नाम का शब्द हमेशा के लिए निकाल दोगे। ये कहानी आप खबरी ऐप पर सुन सकते हो, और वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोशिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम कर सकते हो अगर तुम सोच सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।